की हत्या की गई है, क्या कुछ कहना? मैं तो पुलिस कस्टडी में, पुलिस अभिरक्षा, पुलिस की देख मतलब सुरक्षा में हमारे उमेश पाल की भी हत्या हुई थी, जिसमें संदीप प्रसाद और भी सिपाही मारे गए थे। और आज पुलिस की अभिरक्षा में अगर इनके हमलावर जो है, हमलावर तीन जो है अतीक की हत्या की, तो जैसा जो है हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस में तो काम हेलो, कर रही है। अब तीनों हमलावर पकड़े गए हैं और पुलिस से कम से कम धन्यवाद, कम से अब जो पकड़े गए हमलावर हैं वो कैसा उस पर जाँच होता, उसका कैसा मामला आता, खुलासा होता, उस पर हम उसके बाद ही हम कुछ कह सकते। लेकिन इतने कहेंगे कि अतीक का इतना बड़ा, इतना लोगों से दुश्मनी थी, इतना बड़ा लोगों के साथ दशा था कि इस तरीके के ऐसे ऐसे लोगों को उनको उनके खिलाफ अंजाम हो, और हमारी सरकार जो है हमेशा ऐसे जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकमान की मीटिंग बुलाई है। निश्चित रूप से हम तो धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, कम से कम हमेशा सचेत रहते हैं और जो भी ऐसी घटनाएं होती है उस पर जो भी प्रभावी कदम होता उठाते हैं और अधिकारियों से वो सूचनाएं लेंगे और जैसा होगा उसे वो उसके बारे में मीटिंग के बाद ही बताया जा सकता है।